Hi, how are you? Where is the border crossing? Here? Okay. Wesa ngaho yabizimije gusa yabya kije nyine habira byose ubuno hari ya urabibona. Ah, erega uravye mwo. No money. No money. ओ खैर हो जाए। यहाँ पे अच्छा खासा रश हो गया था। लेकिन ये है कि लोग अभी तक क्यूरियस ही हैं, मतलब वो नहीं है कि आपको किसी जगह पे डर या खौफ यहाँ पे फील हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे महसूस होता है कि यहाँ की भी मेनली पॉपुलेशन मुस्लिम है, जिससे बात करो नाम उनका मुसलमानों वाला ही है। हिल्स बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी जगह छोटा सा स्टॉप लेके आप लोगों को कुछ यहाँ के ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल मुल्क मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। जहाँ से भी गुजर रहा हूँ ऑलमोस्ट सारा का सारा ही इसी तरह हिली एरिया है। ये देखिए ना साइडों में कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्रुंडी के बारे में ये कहना तो भाई बनता है कि अभी तक की सबसे खूबसूरत माउंटेन सीनरी मुझे ब्रुंडी में नज़र आ रही है। रवांडा में बहुत अच्छी थी, लेकिन मसला ये था कि उधर मौसम इतना ख़राब था कि पहाड़ नज़र ही नहीं आ रहे थे। अभी इधर भी क्लाउडी है, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखें ना कि सारे पहाड़ देख सकता है बंदा।
और अभी पहाड़ पे चढ़ने का सबसे आसान तरीका रोड्स यहाँ पे हमें काफ़ी बेहतर मिली है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि शायद टूटी फूटी रोड होंगी, लेकिन ठीक है, पूरा रास्ता अच्छी रोड ही मिली है अभी तक। और यहाँ पे देखें कि अभी हमें रिक्शे भी नज़र आना शुरू हो गए हैं TVS के। रवांडा में मेरे ख्याल में बैन थे। और अब हो गया यहाँ पे बारिश स्टार्ट, इसलिए हम इधर खड़ी करते हैं रंगीली को और चेंज करते हैं अपना सूट। अब तो मुझे लगता है कि हमने सारा नीचे की तरफ ही जाना है, उतराई है, भागते हुए जा रहे हैं हम। ये हमारी आज के दिन की सबसे खूबसूरत राइड का, मतलब आप हाईलाइट कह सकते हैं, पिछले 15-20 मिनट और अभी बुजुम्बोरा तक ऐसे ही जाएगी। लेकिन क्या कमाल की सीनरी है यहाँ की। कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं, सारे ही एक डायरेक्शन में वॉक करते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इधर से जाना तो साइकिल वालों के लिए मज़े हैं, लेकिन देखें उधर से आते हुए उसको पैदल चला के लेके आते हैं और ऊपर से फिर स्पीडें लगती हैं। ऑलमोस्ट ये अगला 60 की स्पीड से जा रहा है। अब देखें नीचे सारा फ्लैट है और पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। हम ऑलमोस्ट शहर इंटर हो चुके हैं, तकरीबन 5-6 किलोमीटर और राइड करके जाना है।
बाहर से तो अच्छा लग रहा है, देख लेते हैं कैसा। ये है जी हमारे रूम की एंट्रेंस, और सामने देखें तो हमारा खूबसूरत सा बेड, बड़ा साफ़ सुथरा और अच्छी तरह से उसको सजाया हुआ है। सामने हमें एक अच्छा सा टेबल भी दिया हुआ है, पीछे टीवी है, चाय कॉफ़ी साथ में पानी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने ला के रख दी है। इधर एसी भी लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि रात को यहाँ पे कितनी गर्मी होगी, लेकिन अच्छा है एटलीस्ट अगर गर्मी हुई तो हम लगा के आराम से एसी में सोएंगे। और अगर हम आपको बाहर लेके जाएं तो यहाँ से सिटी का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत बालकनी से व्यू है इसका। इसके हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं $75 पर नाइट, और मुझे फैसा बता रहे हैं जिन्होंने ये बुक किया है कि उनके कोई हमसाए में रहते हैं ऑनर, जिनका ये जिन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट करके हमें दे दिया है। नॉर्मली $120 है, मेरा बजट होता है 50, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चल जाता है। पिछला होटल हमारा सस्ता था, ये हमसे थोड़ा सा महंगा हो गया, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल सोएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बुजुम्बुरा, कैपिटल ऑफ बुरुंडी, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी और लेक तांगनिका के बिल्कुल साथ। लेक तांगनिका के बारे में बता दूँ, ये यहाँ की सबसे अफ्रीका की गहरी लेक है और इसके साथ बॉर्डर लगती हैं बुरुंडी, कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया के। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा बहुत बुजुम्बुरा। मैंने सोचा कि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती, बड़ा वॉकिंग पाथ एक अच्छा सा उन्होंने बताया बनाया हुआ, लेकिन एनीवे गाड़ी भी पीछे से आ गई। तो मैं आज अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं फैज साहब यहाँ पे। हेलो, एक सेकंड जी, ये थोड़ा सा फैज भाई के एक जानने वाले से मेरी मुलाकात हुई थी अरुषा में। हाँ, अरुषा, उनके थ्रू हमारा इनसे कॉन्टेक्ट हुआ है, तो ये आज मुझे थोड़ा बहुत अपना शहर दिखाएंगे। इनके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे यहाँ पे इंडिया से, कच्छ से हैं, जैसे मोस्टली कम्युनिटी यहाँ पे आपको नज़र आएगी पूरे ईस्ट अफ्रीका में, तकरीबन आई थिंक 70% कच्छ ही लोग हैं। और उसके अलावा इनके एक हमारे टूर गाइड हैं, ये आगे जा रहे हैं, इनको ज़रा बुलाया मोहम्मद साहब को। जो मोहम्मद, ये सो पीपल वॉन्ट्स टू मीट यू, ये हैं ये मोहम्मद है, हाफ यमनी है और हाफ ब्रुंडियन है, एंड ही विल बी आवर टूर गाइड। तो चले कोशिश करते हैं कि आप लोगों का भी, हम लोग एक्चुअली हैं यहाँ की एक मार्केट, बड़ा खूबसूरत सा साफ सुथरा अच्छा सा एरिया बना हुआ है। वो पहले कुछ कंट्रीज़ में आप ने देखी होंगी कि मार्केट थोड़ी सी कंजस्टी टाइप और डिफरेंट टाइप की मार्केट थी, ये उससे ज़रा हटके है, मज़े की जगह मुझे लग रही है। ये देखें, अब हमने चिकन तो खरीदने नहीं है। 25 यस यस, ये कह रहा है कि मेरे चिकन की वीडियो बनाओ। शो ले ला, और क्या कह रहा है यार, फ्रेंच में कुछ बोल रहे हैं। यू स्पीक इंग्लिश? Kirundi. Yeah. Kirundi, I don't speak Kirundi. Kirundi not true. Oh, yeah. Kirundi. Chongereza. French. French? Chongereza French. Chongereza. I don't speak French. Why? English. What? Achha ka sa record kar raha tha, usne button band kar diya. Yes. What is this? It's a camera. Camera. Yes. So connect in iPhone. I no, this is camera, not iPhone. This is original. Yes, original. Here, we not see. You don't see here. Yeah. You want to buy? No. No. मेरे साथ वाले किधर गए? वो मुझे चिकन बेच रहे हैं यहाँ पे। Remember यार। Thank you.
आज हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए फैज़ भाई के एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच कैफ़े में लेके आए हैं। बताता चलूँ कि बिरुंडी सबसे पहले जर्मन कॉलोनी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जिस तरह रवांडा और कॉन्गो बेल्जियम की कॉलोनीज बन गई थी, इसी तरह बिरुंडी भी बेल्जियम कॉलोनी थी। इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेल्जियम का इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। मोस्टली लोग यहाँ पे दो लैंग्वेजेस उनको ज़रूर आती हैं, एक किरुंडी इनके लोकल लैंग्वेज और उसके बाद फ्रेंच। फ्रेंच भी एक्चुअली इनकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट किसी बंदे से भी आप बात करो तो मुझसे भी जब कोई बात करता है तो अक्सर फॉरेनर समझ के फ्रेंच में ही बात करते हैं। इंग्लिश कम लोगों को आती है, लेकिन गुजारा ज़रूर चल जाता है। तो हमने कहा कि क्यों ना आज हम अपना फ्रेंच ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। आप देखें कि हमारे फेवरेट फ्रूट्स यहाँ के बहुत ही मज़े के हैं, उसके साथ आई एम नॉट श्योर इसका क्या नाम है, लेकिन जो भी है देखने में अच्छा लग रहा है। कॉफ़ी बहुत अच्छी है और साथ में हमारे पास क्रोसों, अगर आप फ्रेंच कैफ़े में आए तो क्रोसों तो ज़रूरी है। उसके अंदर ऑमलेट डला हुआ है और साथ में है मीट है, बताता चलूँ कि ये हलाल है इससे पहले कि आप लोग पूछें। और साथ में कुछ थोड़ा सा हमारे पास सैलड भी है। तो ये एक ना सिर्फ अच्छा ब्रेकफास्ट हम इंजॉय करेंगे इस जगह पे, बल्कि ये जगह भी बड़ी खूबसूरत है। साथ में थोड़ा बहुत आपको लोकल लाइफ नज़र आती है, नीचे एक छोटी सी मार्केट है। अभी आराम से यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। बुजुम्बुरा से तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँचे हैं रुसीसी नेशनल पार्क। सिटी के सबसे करीब नेशनल पार्क है और मोस्टली जो टूरिस्ट सिटी में आते हैं उनके लिए ये एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है और बिल्कुल लेक तांगानिका के साथ है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स और हिप्पोस ज़रूर नज़र आएंगे, उसके अलावा हो सकता है कुछ ना नज़र आए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको वीडियोस में हिप्पोस तो बहुत बार दिखाया, अगर यहाँ पे आप चेक करें उसका सर का ये ढांचा, खैर हो जाए, बहुत हैवी है। और ये उसके साइडों वाले बड़े बड़े दांत हैं, ये दरमियान वाले हैं, और ये इसके यहाँ वाले जो दांत हैं ये एक्चुअली यूज़ करता है ग्रास वगैरह खाने के लिए, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं इसके बड़े दांत। चेक करें आप, अभी आपको जाके दिखाते हैं हिप्पोस। और ये है रुसीजी रिवर जो सीधा जाएगा लेक तांगानिका पे, और हमारी बोट भी उसी तरफ जाएगी। लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सो हमारे साथ हैं इस नेम इज सलमान, सलमान एंड मुनावर। मुनावर इज हाफ पाकिस्तानी और थर्ड जनरेशन हियर। Thank you.
बहुत खूबसूरत नेचर है यहाँ की, और स्पेशली जब आप दरिया से बोट लेके जाते हैं और फिर आपको लेक तांगानिका देखने को मिलती है, वो एक डिफरेंट सा मंजर है क्योंकि लेक का पानी साफ है, दरिया का पानी गंदला है, और एक पॉइंट पे दरिया का पानी जाके लेक में गिरता है और वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह नज़र आता है। मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं और आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रोन की परमिशन हमने ले ली थी फैज़ भाई ने, आई एम नॉट श्योर कि कौन से अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह लगाए हैं, अदरवाइज पार्क्स में इजाज़त नहीं होती कि आप ड्रोन वगैरह उड़ा सकें। यहाँ पे हमें कुछ हिप्पोस नज़र आए हैं, उसके अलावा परिंदे वगैरह थे, कुछ बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है लेकिन नेचर बड़ी खूबसूरत है, स्पेशली दरिया और पानी, इसमें कोई एक डिफरेंट सी एक कशिश होती है, मुझे बहुत पसंद आता है इस तरह जब आप दरिया में से गुजर रहे हैं आपको साथ साथ कुछ वाइल्ड लाइफ नज़र आ रही है और फिर आगे लेक है, तो थोड़ा सा यूनिक सा एटमोसफेयर है यहाँ का। बाकी ये बिल्कुल कॉन्गो के बॉर्डर के साथ है, यहाँ पर अभी इवन के मेरी सिम वो कॉन्गो पे चली गई है, हालांकि हम अभी भी हैं बुरुंडी में। देखिए जी, हम लोग कहाँ से चले और किधर यहाँ पे पहुँच गए हैं बुरुंडी में अपने पाकिस्तानी भाई के पास। ये हैं खुरम साहब। खुरम साहब हैं एक्चुअली कराची से और 4 साल पहले आए हैं यहाँ पे। मैंने अपने बाल सेट करवाने थे तो मैंने फैज़ भाई से बोला कि किसी जगह चलते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे ले आए, तो इन्होंने एक तो पहचान लिया, पता नहीं कौन सी मेरी वीडियो देखी है लेकिन अच्छा लगा आपसे मिलके। यहाँ पे आई थिंक कोई बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, कोई बता रहे हैं कितने बता रहे हैं 70 to 80 हैं, लेकिन 19वीं सेंचुरी में जो भी फैमिलीज आई थी वो इंडिया वाली, वो अभी भी यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि अपनी अफ्रीका में पहली कटिंग ज़रा सही सी हो जाए। बिल्कुल ठीक। फैज़ भाई जी, चाय चलेगी? हाँ। देखिए जी, खुरम भाई ने हमारे बहुत अच्छे बाल काटे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इनसे हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि बुरुंडी रिलेटिवली गरीब मुल्क है, यहाँ पे काफ़ी लोग बिज़नेस के लिए ऑफ कोर्स आते हैं क्योंकि गरीब मुल्कों में और जहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं होते सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर होती हैं, वहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन लोग लोकल्स की आई थिंक कोई $25-30 ऑलमोस्ट इतनी इनकम होती है, इसमें बस आप रह सकते हो। और आप देखें तो बुरुंडी के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कोई ऑयल नहीं है या इस तरह की चीज़ें, ये भी सब कुछ ख़रीद के लाते हैं और लैंड लॉक्ड कंट्री है तो बड़ी दूर से ट्रैवल करके आता है, इसलिए आजकल यहाँ पर डॉलर का इश्यूज़ चल रहा है, थोड़े से रेट्स ऊपर नीचे हैं, ऑफिशियल रेट थोड़ा सा कम है और ब्लैक मार्केट में ऑलमोस्ट डबल है रेट, इसलिए पेट्रोल का क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंट्री के हालात बिल्कुल ठीक है। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे बाल काटने के लिए, हमारी दाढ़ी भी सेट होगी। कोशिश मैंने की है कि आज के ब्लॉग में आप लोगों को थोड़ा बहुत सिटी और इसके एरियाज़ वगैरह दिखा सकूं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए एक्टिविटीज़ नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितना इसको इंटरेस्टिंग बना सकूं, थोड़ी बहुत सिटी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, वो मैंने की है। कल हम यहाँ से निकलेंगे और तंजानिया की तरफ जाएँगे और आगे का अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे, तो लेक के साथ साथ हम कुछ ट्रैवल करके कुछ और नए एरियाज़ आप लोगों को दिखाएंगे। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।